हेलो टू माय वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आइए जरा थोड़ी सी चिटचैट मेरे साथ भी कीजिए। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर देने के लिए आई हूँ, विच इज दी विंटर स्किन केयर रूटीन। तो आज आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलने वाले हैं। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। एक सही ब्लेंड ऑफ DIY रेमेडीज और प्रोडक्ट का यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये आजकल के बढ़ते हुए पॉल्यूशन वाले एनवायरमेंट में जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हमारी स्किन को हो रहा है, इसके लिए बहुत अनिवार्य है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि एक सही ब्लेंड अपनी स्किन के लिए चेंजिंग एनवायरमेंट में जरूर बनाइए, ताकि आपके चेहरे पर कोई परेशानी ना हो और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ उसको तीन भागों में विभाजित कर रही हूँ। सबसे पहला है डेली स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैं आपको मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन अलग अलग बताने वाली हूँ। फिर है वीकली रूटीन, कि आपको हफ्ते हर हफ्ते क्या क्या करना होता है, इस बात का आपको मैं थोड़ा सा इंटीमेशन दूंगी। और उसके बाद है मंथली, क्या क्या वो ऐसे एक्शंस हैं, जो रूटीन्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, कि आप वो मंथली ही करेंगे एंड नॉट मोर देन दैट। आई होप सभी को यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलने वाला है, कोई प्रोडक्ट, कोई यू नो द वे आई डू द थिंग्स। तो जो कुछ भी आप यहाँ से सीखें हमें नीचे लिखकर अवश्य बताइएगा, दैट विल बी माई कॉन्फिडेंस फॉर श्योर। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा डेली स्किन केयर रूटीन, कि सर्दियों के मौसम में अपने चेहरे का सुबह के समय आप कैसे ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहली चीज है फेस वॉश। अब फेस वॉश इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर सो मेनी पीपल, कि भाई सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलकर चले जाते हैं कि हाइड्रेटिंग होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, पर होते क्या है ये? देखिए, आपने बहुत सारे फेस वॉशेज आज तक यूज किए होंगे, तो लाइट का मतलब है जो आपके चेहरे पर खिंचाव महसूस ना कराएं जब आप फेस वॉश कर लें। तो अगर कोई ऐसा फेस वॉश है जिसमें भले खुशबू नहीं है, भले ही वो बहुत सारा झाग नहीं है, लेकिन वो आपकी स्किन को वो खिंचाव, वो जो यू नो वाइटनेस आ जाती है, खुश्की आ जाती है, वो चीज ना होने दे, तो वो फेस वॉश आपको सूट कर रहा है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं फर्स्ट फेस वॉश हमेशा कोशिश करती हूँ कि या तो बिल्कुल डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, बिल्कुल खुशबू लेस लाइट फेस वॉश हो, जिनके विकल्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वो यूज करती हूँ, या फिर मैं DIY फेस वॉश का इस्तेमाल करती हूँ। जस्ट थोड़ा सा पानी आपको लेना है, अच्छे से अपने चेहरे को वॉश करना है एंड दैट्स इट। और इसके पश्चात टोनिंग ऑफ माई स्किन इज अ मस्ट, ये आज तक कभी भी चेंज नहीं हुआ है। ब्रश करने के बाद फेस वॉश करना और उसके बाद स्किन टोन करना मेरा हमेशा से चला आया है, इवन इफ इट्स अ विंटर सीजन तभी भी। और टोनर के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ रोज वाटर यूज करती हूँ, नथिंग एल्स। ऑब्वियसली बाकी ट्राई किए हैं मैंने, नथिंग लाइक दैट, लेकिन मॉर्निंग का टोनर इज रोज वाटर विदाउट फेल। तो कुछ रोज वाटर्स जिनके लिए मैं कंफर्टेबल हूँ वो मैं आपको नीचे विकल्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गिव देम अ ट्राई। और उसके पश्चात मैं नहाना धोना, यू नो एवरीथिंग, आई गो अराउंड डूइंग माई चोर्स, और उसके बाद मेरा बाकी का स्किन केयर रूटीन स्टार्ट होता है। नाउ इफ यू आर कंफ्यूज कि भाई हम तो ब्रश करते टाइम फेस वॉश नहीं करते, हम तो नहाते टाइम ही करते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, इट इज ओनली आई एम टेलिंग यू द सीक्वेंस कि कब कब आप कर सकते हैं। स्किन टोनिंग के बाद आता है मॉइस्चराइजेशन, जिसके लिए इतने सारे विकल्प मार्केट में अवेलेबल हैं कि हर स्किन टाइप के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट है। आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, ऑयली है, वट एवर इट इज, एक प्रोडक्ट आपके लिए मार्केट में है, आप लाइए और उसका इस्तेमाल अपनी स्किन के लिए कीजिए। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर कर रही हूं जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। ये कोई लग्जरी नहीं, ये रिक्वायरमेंट है आज इस विंटर सीजन में आपके लिए। और हर विंटर सीजन में मैं अपने परिवार को रिमाइंडर देने के लिए आती हूं, आज फिर से आई हूं। पहले मैं लोगों को रिक्वेस्ट करती थी, अब मैं लोगों को इंसिस्ट करती हूं कि डेफिनेटली ट्राई कीजिए महर्षि आयुर्वेदा का कुमकुमादि तेलम। पूरा का पूरा लेबल मैं आपको साइड में दिखा दूंगी। कुमकुमादि ऑयल तिल के तेल के बेस में बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का इन्फ्यूजन किया जाता है, जैसे कि सैफ्रन, जिसको हम केसर कहते हैं, मंजिष्ठा, याष्टी मधु, गोट मिल्क, और ये सारे के सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जब अपने न्यूट्रिएंट्स इस ऑयल में अच्छे से इन्फ्यूज करते हैं, इसको हम कुमकुमादि तेल कहते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए एक एलिक्सर से कम नहीं है। ये पर्टिकुलर ऑयल इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस विंटर सीजन की, ये आपको यूज करके ही पता चलेगा। अष्टांग हृदय में कुमकुमादि तेल को बनाने की जो विधि लिखी गई है, महर्षि आयुर्वेदा के जो इनहाउस वैद्य हैं, ये हैंड पिक्ड इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एग्जैक्टली वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, ताकि बेस्ट ऑफ कुमकुमादि तेल हमें मिल सके। और इसके रिजल्ट्स आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने जो भी कुमकुमादि तेल मार्केट में यूज किया है,
आई वुड से इसको ट्राई कीजिए एंड इट विल बीट दैट कुमकुम आदि तेल. ये मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं इतने सालों से इसे यूज कर रही हूँ. ये 100% नेचुरल है, देर इज एब्सोल्युटली नो केमिकल इन्वॉल्व. ड्रॉपर अलग से आपको मिलता है इस बॉटल के साथ, जो कि इस फॉर्मुलेशन को आप कंटेमिनेट ना करें इसका ख्याल रखते हुए दिया गया है. इसको आप अपने हाथों में लेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स. इतना स्मूथ है, इतना सॉफ्ट है कि आप इसको अपने मॉर्निंग स्किन के रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ योर मॉइस्चराइजर. सबसे पहला इंग्रेडिएंट जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ और दोबारा से बता रही हूँ, इज सैफ्रन, जिसको हम केसर कहते हैं, जो कि जाना ही जाता है अपने एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए. आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छा करता है, आपकी स्किन को रिस्टोर करता है. दूसरा इंग्रेडिएंट है मुलेठी, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, एक इवन टोन आपकी स्किन पर आती है. तीसरा है मंजिष्ठा, जो कि आपकी स्किन को दोबारा से इवन टोन करने में हेल्प करता है. और आपके स्कार्स, स्पॉट्स, किसी भी तरह की परेशानी आपके चेहरे पर रही है या है, उसको ठीक करना शुरू करता है. कमल केसर, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है. आपकी स्किन पर वो जो फ्लेकीनेस आ जाती है, जो सफेदी आ जाती है, उसको एड्रेस करके मॉइस्चर आपकी स्किन पर लॉक करता है. वेटिवर, जिसको हम खस के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी स्किन पर वो जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है उसको संभाल के करता है, बहुत ज्यादा नहीं होने देता, आपकी स्किन को डार्कर नहीं लगने देता. एंड अनलाइक केमिकल्स जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन तो कम करते हैं लेकिन साथ में साइड इफेक्ट्स देते हैं, ये वो काम नहीं करता. ऑल इन ऑल ये प्रोडक्ट आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, किसी भी तरह की परेशानी को एड्रेस करने की क्षमता रखता है. सो डू गिव इट अ ट्राई, महर्षि आयुर्वेदा का कुमकुमादी तेल. अगर कोई कूपन कोड अवेलेबल होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. डू गिव इट अ ट्राई और जब रिजल्ट्स मिले तो वापस आके हमें जरूर बताइएगा, ताकि अगले विंटर सीजन में फिर से बता सकूं कि भाई हाँ, इस ऑयल को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. सो कमिंग बैक टू आवर रूटीन, अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए, अगर आप कुमकुमादी तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए. अगर आपको लगता है कि तेल को यूज करने के पश्चात शायद आपकी स्किन वापस ऑयली हो जाए तो आप इसके ऊपर भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. इसके बाद सनस्क्रीन इज अ मस्ट. भाई इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, सनस्क्रीन तो यूज करना ही चाहिए. लुकिंग इनटू किस तरह की यू नो केसेस आ रहे हैं, स्किन कैंसर, दिस दैट, पोल्यूटेंट्स इतने बढ़ गए हैं, सनस्क्रीन इज डेफिनेटली समथिंग जो आपको ट्राई करना चाहिए और जिसके बिना आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. तो सनस्क्रीन आपने पहन लिया, इसके बाद यू आर गुड टू गो. आप मेकअप वेयर करना चाहते हैं आप वो कीजिए, आप कुछ नहीं करते हैं इसके बाद, आप सिंपली यू नो ऑफिस चले जाते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे. शाम के समय जब आप दुनिया जीतकर घर वापस आते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने चेहरे को, अगर आपने मेकअप पहना है तो माइसेलर वाटर से या फिर व्हाट यू कॉल दैट, मेकअप रिमूविंग बाम का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए. क्लीन करने के पश्चात फिर आप अप करेंगे आपका दिन का सेकेंड फेस वॉश, जो कि मार्केट बेस्ड भी हो सकता है, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल, और इसका इस्तेमाल करके अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेंगे यूजिंग अ ल्यूक वॉर्म वाटर. ठंडे पानी से मुंह नहीं धोया जाएगा, प्लीज, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गड़बड़ हो जाएगा अगर एक्सट्रीमली गर्म या एक्सट्रीमली ठंडा पानी यूज कर लिया. ल्यूक वॉर्म वाटर से आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करेंगे, यकीन मानिए इतना रेजुविनेटेड आप फील ही नहीं कर सकते कभी जितना कि आप ल्यूक वॉर्म वाटर से फेस वॉश करने के बाद यूज फील करेंगे. और उसके बाद आपको करना है मॉइस्चराइजेशन. अगर आप शाम को 5-6 बजे घर आ जाते हैं तो आप अभी मॉइस्चराइजेशन कर लीजिए, और रात को 10-11 बजे सोते हैं तो प्लेन वाटर वॉश करके भी सो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, घर में भी थोड़ा बहुत यू नो लिटिल बिट ऑफ डर्ट पोल्यूटेंट्स लग जाते हैं, तो आप प्लेन वाटर वॉश करके सो सकते हैं. लेकिन मॉइस्चराइजेशन इज अ मस्ट. अगर आप फेस ऑयल, कुमकुमादी तेल यूज कर रहे हैं तो अच्छे से उसको अपने चेहरे पर एज अ मॉइस्चराइजर लगाइए. इसके बाद भी अगर आप कोई लोशन वगैरह चेहरे पर लगाना चाहते हैं, यू कैन डू इट एब्सोल्युटली एंड यू आर डन फॉर द डे, एब्सोल्युटली डन. हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप. एंड ये था आपका डेली स्किन केयर रूटीन आपके चेहरे के लिए, डन. अब हम बात करते हैं कि वीकली हमें क्या क्या चीजें करनी है, यानी कि अगर आपको आपकी छुट्टी संडे को होती है तो संडे संडे आपको क्या क्या करना है. सबसे पहली चीज है एक्सफोलिएटिंग योर स्किन. जी हाँ, डेली के रूटीन में हम कहीं भी रोज रोज तो एक्सफोलिएशन करेंगे नहीं, इसीलिए वीक में एक बार अपनी स्किन को एक यू नो एक्सफोलिएटिंग मास्क देना जरूरी है. अगर मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट आप चाहते हैं उसका विकल्प भी मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अदरवाइज आप सिंपल मैनुअल एक्सफोलिएटर्स जो होते हैं, राइस फ्लावर हो गया यानी कि चावल का आटा, कॉफी हो गया, यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉटफुल. आपको इन्हें भिगा के रखना होता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और तभी अपने चेहरे पर यूज करना होता है, नॉट हार्शली नहीं कर सकते आप, ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है. अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है
तो प्लीज मेक श्योर कि एक दिन ऐसा निकालिए कि जो हम फेस ऑयल यूज कर रहे हैं इसको अच्छे से मसाज कीजिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 30 से नीचे अगर आपकी उम्र है, रिचॉइस, आपको मसाजिंग की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है. हाँ, कर लोगे तो अच्छी बात है, कुछ बुरा तो नहीं होगा, लेकिन 30 के ऊपर तो आपको डेफिनेटली एक दिन तो ढंग से मसाज अपनी स्किन पर करनी ही चाहिए. नंबर 3, स्टीमिंग योर फेस. देखिए, ल्यूकवॉर्म वाटर से हम रोज ही फेस वॉश कर रहे हैं, लेकिन एक दिन अच्छे से मसाज करके और स्टीम अगर आपने अपने चेहरे को दे दी तो वो जितने भी व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, दिस दैट चेहरे पर आ जाते, गॉन, कंप्लीटली गॉन, एंड यू विल बी हैप्पी. आपको खुश करने के लिए इतना सब कुछ मैं बता रही हूं, ध्यान से कीजिएगा, राइट? तो अच्छे से स्टीम दीजिए अपनी स्किन को वीकली, एंड यू विल सी कि आपके चेहरे पर वो जो जल्दी जल्दी से डिपॉजिशंस होता था बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग और वॉट एवर, वो कम हो रहा है. बहुत, यू नो, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी बार बार, वो कम हो रही है, एंड यू विल बी हैप्पी, राइट? चौथी चीज जो आपके वीकली रूटीन में आती है इज डी टैनिंग. भाई, हम बाहर जा रहे हैं, रिपीटेडली बाहर जा रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली धूप सेक रहे हैं, और धूप सेकने का कोई कोई भी पीछे नहीं हटेगा. अरे टैन हो जाएगा, अरे दिस, कुछ नहीं, धूप तो सेकनी ही है, धूप में बैठना ही है, धूप में वो अच्छी अच्छी, यू नो, ऑयली फैटी चीजें खानी है, इट इज मैंडेटरी. लेकिन उसके साथ जो डी टैन हो, उसकी वजह से जो टैनिंग हो जाती है, उसको डी टैन हम कर लेंगे. पहले सर्दियां एंजॉय करो, फिर डी टैन भी हो जाएगा. पर हाँ, वीकली डी टैन करते रहोगे तो वो बहुत ज्यादा सिवियर डार्कनेस नहीं आएगी जिससे सब डरते हैं. तो डी टैन मैं बहुत सारे आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. यू कैन जस्ट यूज बेसन, अ लिटिल बिट ऑफ बेसन, इसमें थोड़ा सा हल्दी, कस्तूरी हल्दी है तो नथिंग लाइक इट, एंड अ लिटिल बिट ऑफ लेमन हम नहीं यूज करते. ओके, नींबू का रस वो ले लो, जूस, सॉरी, टमाटर का जूस ले लीजिए, राइट? अगर नींबू का नहीं ले सकते, अच्छे से मिलाइए और वीकली इसको, मतलब कभी भी हफ्ते में एक बार घर वापस आके कर लिया, यू आर गुड टू गो. आपका सारा वो जो सन का इंप्रेशन है आपके चेहरे पे, गॉन, कंप्लीटली गॉन. तो हमें क्लियर हो चुका है डेली क्या क्या करना है, वीकली क्या क्या करना है. अब बात करते हैं मंथली क्या क्या करना है. मंथली रूटीन में सिर्फ दो चीजें हैं. द फर्स्ट वन इज फुल फ्लेज्ड फेशियल. जी हाँ, आप किसी भी उम्र के हैं, महीने में एक बार तो भाई स्किन पैम्परिंग जरूरी है. हमें अपना यही शक्ल बार बार दिखानी है सबको, इट हैज टू बी वेरी नीट एंड क्लीन. तो महीने भर में तो डेफिनेटली डिपॉजिशन हो जाता है विद द काइंड ऑफ एनवायरमेंट जो बाहर है, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर. हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि महीने में एक बार एक फुल फ्लेज्ड फेशियल, जिसमें कि हम एक्सफोलिएशन करेंगे, हम स्क्रबिंग कर सकते हैं, हम स्टीम ले सकते हैं, हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, हम एक बहुत ही हाइड्रेटिंग मास्क लगा सकते हैं, एंड ऑल दो स्टेप्स इन वन डे, राइट? तो ये आप कर सकते हैं फॉर श्योर. एंड सेकेंड इज, जो नहीं करना चाहते हैं, हम तो फेशियल कभी किया ही नहीं, हमारी स्किन तो बहुत अच्छी है, वेरी गुड, यूज अ हाइड्रेटिंग मास्क. कोई भी ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स ले लीजिए, अच्छे खट्टे वाले नहीं, नॉर्मल वाले. हाँ, फ्रूट्स ले लीजिए, पपाया हो गया, उसमें हनी डाल लीजिए, नथिंग लाइक इट, बनाना मास्क हो गया, कोई भी जो आपके पास कंफर्टेबल है, आप जिस मास्क को लगाने के लिए, चिया सीड्स मास्क, अमेजिंग आपकी स्किन को, यू नो, वो हाइड्रेशन देने के लिए. तो यूज अ हाइड्रेटिंग मास्क फॉर योर स्किन वंस अ मंथ, और आप देखेंगे कि आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपार्ट फ्रॉम ब्लीचिंग अगर आप वो कराते हो तो, एंड आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी है, हैप्पी है, आपकी जो सैलून विजिट्स है वो कम हो रहे हैं अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो, एंड यू विल बी रियली हैप्पी. अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपको पानी पीते रहना है. सर्दियों का मतलब ये नहीं है कि आप पानी छोड़ देंगे. कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड कंप्लीटली. आप अच्छी डाइट लीजिए, मैंने आपको कहा ऑयली एंड फैटी एसिड्स, फैटी थिंग्स खाने का ये टाइम है, तो सोच समझ के ध्यान से गुड फैट्स का सेवन कीजिए. आप अपनी एक्सरसाइज कम मत कीजिए. आई नो रजाई के अंदर घुसने का बहुत मन करता है, लेकिन एक्सरसाइजिंग के नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, तो उसका भी ख्याल रखिएगा. हॉट वाटर शावर्स थोड़े से कम लीजिएगा, बहुत लंबे लंबे मत लीजिएगा, आई नो इट्स वेरी रिलैक्सिंग, पर कम मात्रा में अगर आप वो, यू नो, अपनी ऑयल को स्ट्रिप ऑफ करेंगे, दैट विल बी ग्रेट. सो माई वंडरफुल पीपल, आई रियली होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई है. अगर पसंद आई है तो डू गिव इट अ थम्स अप. अगर पहली बार आए हैं तो मैजिक देख चुके हैं, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और हमेशा याद रखिए कि खूबसूरती मौसम की मोहताज नहीं है. यू आर वेरी ब्यूटिफुल. अपनी इनर ब्यूटी पर हमेशा काम करते रहिए. लॉट्स ऑफ लव.
बाय लुकिंग इनटू द कंटेंट जो मैंने इस वीडियो के लिए लिखा था, आई एम विटनेसिंग कि मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स यहाँ मिस किए हैं, विच इज अराउंड योर आई हाइड्रेशन, नेल्स, हैंड्स एंड फीट हाइड्रेशन, बॉडी हाइड्रेशन. तो आई गेस मेरा एक सेकेंड पार्ट इस वीडियो का डेफिनेटली ड्यू होता है, विच इज़ दी विंटर स्किन केयर रूटीन पार्ट टू. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और अगर आप चाहते हैं इसमें मैं कुछ और भी ऐड करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.